इस क्वेश्चन में हमने जो प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है फोर की, सिर्फ फोर की, क्योंकि उसके नीचे अंडरलाइन और वो स्पेसिफिक बताया गया है। सब आपने इसमें देखना है कि जो फोर है ये, इसको आपने लिखना है फोर, और इसके पास कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब इसकी प्लेस वैल्यू जस्ट फोर है, ठीक है। अब जैसे नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू में आप देखें कि ये 486 है, तो इसमें फोर जो है अंडरलाइन हुआ हुआ है, तो ये फोर है। इसके बाद कितने नंबर्स हैं, टू नंबर है, वन और टू, तो 20। और दूसरे आप ये भी कह सकते हैं कि इसको जैसे आपने, हमें पता है कि यूनिट है टेंस और ये 100 है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 400 है, तो इसलिए भी हमने 400 लिखा है। अब नंबर थर्ड क्वेश्चन में आप देखें कि इसमें जो इसकी वैल्यू जो है, यहाँ से काउंट हमेशा पढ़ते हैं यूनिट और ये हो गया 10, इसका मतलब इसमें क्या फोर की वैल्यू जो होगी, फोर लिख के और इसके बाद 10, वन नंबर है इसलिए 10, तो फोर की वैल्यू जो वो 40 हो जाएगी, यानी कि इसका मतलब 4 10s है इसके अंदर।